हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एमएम बलडोदिया सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डीसीएम द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीएलसी डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज, और आज इसमें मेजर नंबर 4 का सॉल्यूशन हम करेंगे। मेजर टेस्ट सीरीज जिसमें फोर्थ मेजर आपका है कंप्लीट सिलेबस बॉटनी से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं, परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थीम जो है। आइए आपको कंप्लीटली मैं एनसीईआरटी से गो थ्रू करवाता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। नया एग्जाम पैटर्न जो है जिसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 15 एनी 10 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पहले 10 आप करेंगे वो आपके सही काउंट किए जाएंगे या फिर आपके कैलकुलेशन में काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न पर रखते हुए पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट पेयर। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से बच्चों आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। डेफिनेटली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आप ये जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन फाइनली पैकेजिंग उनका जो है वो गॉल्जी बॉडी करता है। फाइनल मॉडिफिकेशन गॉल्जी बॉडी प्रोटीन्स का करता है, एंड द ग्लाइकोसाइडेशन एक्टिविटी ऑफ लिपिड्स इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय द गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी सम्मिश्र प्रोटीन पश्चात अनुवादन के पश्चात रूपांतरण और उसके अलावा ग्लाइकोलाइसन साइलेशन में बड़ी भूमिका निभाता है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो बच्चों यहां करेक्ट होगा। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए सिग्निफिकेंट सेल ऑर्गेनेल इन डाइजेशन। देखिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट सेल ऑर्गेनेल। ये वास्तव में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, लेकिन डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम आप जानते हैं, लाइसोसोमल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है, डाइजेशन में उसका रोल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आपको दिया गया है SER इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। डेफिनेटली RER को आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज द मेजर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। तो स्टेटमेंट सी भी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया है माइटोकॉन्ड्रिया इज एन एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप में एक ऊर्जा स्थानांतरक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया आप ये कह सकते हैं जनरेटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द जनरेटर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की थीम मैंने ली है प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के, जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है, और अल्टीमेटली सारे स्टेटमेंट्स वहीं से हैं। तो आप ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेटर है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, ट्रांसफरिंग सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो इस केस में अगर इस क्वेश्चन में सही स्टेटमेंट्स हम देखें तो आपके पास ए और सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ए एंड सी विल बी द करेक्ट, एंड बी एंड डी विल बी द इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 4। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम द प्राइमरी सेल वॉल इन रेफरेंस ऑफ। तो देखिए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को आप प्लांट्स में देख रहे हैं तो ऑब्वियस है ये एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स हैं। यहां एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स के बीच मैंने मिडिल लैमेला एस्टैब्लिश कर दी, प्लाज्मोडेस्माटा एस्टैब्लिश कर दिया है बच्चों, जहां मिडिल लैमेला भी एब्सेंट है और प्राइमरी सेल वॉल भी एब्सेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ प्रेजेंट होगी। इसको मैं सेल ए काउंट कर सकता हूं, दिस वन विल बी द सेल बी। अब ए और बी जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं, इनमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ वॉल आप देख रहे हैं बच्चों, ये आप कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल है, और दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच ये ब्लैक से जो मैं डार्क कर रहा हूं ये मिडिल लैमेला की प्रेजेंस है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है तो इस प्राइमरी सेल वॉल पर ही सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन इस तरीके से बच्चों शुरू हो जाएगा, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है ये लिग्निन डिपोजिशन कहा जाता है। इस एक्टिविटी को आप कह सकते हैं लिग्निफिकेशन। सो प्राइमरी सेल वॉल इज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसा अगर लैंग्वेज आपको दिया जाए ए डिफर फ्रॉम बी, तो ए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ऑब्जर्व करें, और ए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निफिकेशन की एक्टिविटी होती है। बच्चों, सेलुलोजिक कंपोनेंट प्राइमरी सेल वॉल में भी होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में स्पेसिफिकली लिग्निफिकेशन होगा, विशेष तौर पर लिग्निन का जमाव होगा जिसको लिग्नि भवन हम कहेंगे। इसलिए सेकंड आंसर यहां सही होता है। हेमी सेलुलोज कंटेंट एंड पैक्टिन कंटेंट जो है वो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड, लिग्निफिकेशन।
क्लियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, इज नॉट ए फीचर ऑफ। सबसे पहले दिया है स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनल, डेफिनेटली सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस होती है। और ये देखिए अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है, जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाती है तो हमारा ध्यान सीधे वहीं जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस नहीं होती। लेकिन आप ध्यान रखें बच्चों, जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स एज ए सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म की ग्रेन्युलर अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के फॉर्म में भी ये काम करते हैं। मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग की बात की जा रही है, बच्चों आप ये जानते हैं जो मीजोसोम है, इस मीजोसोम के फॉर्म में मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इस सेल में प्रेजेंट होती है। ऑब्वियस है साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर अपीयरेंस में होगा, तो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग भी होगी, सेल ऑर्गेनल की प्रेजेंस भी होगी, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी आपने कहा राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। अब जो प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल है उसकी जगह अगर लिखा होता प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट हो जाता। लास्ट में लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप, आप ये जानते हैं यहाँ जो जीनोम प्रेजेंट होता है वो नेकेड जीनोम होता है, DSDNA। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपका आंसर होना चाहिए यहाँ फोर्थ वन, द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स 4C लेवल एट G2 स्टेज पर जो डीएनए का अमाउंट है वो 4C रहता है। तो ये किसी सेल साइकिल को हम ऑब्जर्व करें, ये बच्चों आप एम फेज काउंट कर लीजिए, साइटोकाइनेसिस, इसके बाद ये आप कह रहे हैं G1 स्टेज, ये आप कह रहे हैं S और ये आप कह रहे हैं G2। क्लियर। एम फेज आप जानते हैं बच्चों डिवीजन वाला फेज है, यहां सेल्स जो बन जाती हैं ये सेल्स फर्दर डिवीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं या फिर रेस्टिंग स्टेज में जा सकती हैं। तो जी नोड से जीवन में एंटर करेंगी और जीवन से ही एग्जिट करेंगी सेल साइकिल से। ये अब वो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज 4C G2 स्टेज पर, यहां G2 स्टेज पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4C है। ऑब्वियस है ये S से आया है तो S में भी ये क्या हुआ 4C, लेकिन S में जब ये एंटर हुआ होगा तब ये डेफिनेटली 2C रहा होगा, बिकॉज आप जानते हैं S फेज में डीएनए अमाउंट जो है वो बच्चों क्या हो जाता है डबल, डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है। अब इस केस में आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द इनिशियल लेवल ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉइड सेल, अब सेल डिप्लॉइड हो सेल हैप्लॉइड हो, G2 लेवल जो आपको दे रखा है या G2 में डीएनए का जो लेवल दे रखा है उसको कंपेयर अगर आप करेंगे तो इनिशियल लेवल उसका जस्ट हाफ होगा, इसलिए आप कह सकते हैं 2C जो है वो अमाउंट डीएनए का यहां एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा। बच्चों एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स भी ये दे रखे हैं एज सेम, और इसके अलावा 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि अगर डीएनए अमाउंट 4C हो जाता है G2 स्टेज में तो कहां तक और कब तक ये 4C मेंटेन रहेगा, उसके बाद भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसी थीम का एक बेसिक क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 में देखिए आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मार्क्ड और कैरेक्टराइज्ड बाय द फंक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। देखिए जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम बनता है, इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम में जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा तो बच्चों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, और ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं ये इनको आप नोड्यूल्स कह देते हैं, जहां होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा, और यहां जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है इसका रोल होता है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनवाने में हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली आप ये कहेंगे ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है ये परफॉर्म करवाया जाता है बच्चों पैकाइटिन में, आप जानते हैं पैकाइटिन में ऐसा होगा, डिप्लोटीन में ये फिर से जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो डिसॉल्व होना शुरू होंगे, डाइकाइनेसिस में आप ये जानते हैं कंप्लीटली ये सेपरेट हो जाएगा, और जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहां हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट मैच, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो कह रहा है कि इनको कंसीडर करिए और इनकरेक्ट जो मैच है उसको आपको चूज करना है। यहां लिखा गया है सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम, डेफिनेटली सिनेप्सिस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो आता है, अभी आपने डिस्कस किया था जैसे ये दो क्रोमोजोम्स हैं, एक आप कह सकते हैं पैटर्नल क्रोमोजोम और दूसरा मैटर्नल क्रोमोजोम, और ये बच्चों इसके लिए लिख के दिया गया है आपको जाइगोटिन, डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं सही होगा।
सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन G2 स्टेज, डेफिनेटली जो G2 स्टेज है उसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। आप देखिए प्रोटीन की बात अगर करें तो वो G1 में भी सिंथेसाइज होता है, S में भी सिंथेसाइज होता है और G2 में भी होता है। जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं, जैसे G2 की बात अगर मैं करूं तो स्पेसिफिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन आप कह सकते हैं। अगर आप बात करें S फेज की तो वहां हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और अगर आप G1 की बात करें तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स और उनके कंपोनेंट्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो G1 में सिंथेसाइज हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स कह रहा है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमोजोम्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। डेफिनेटली देखिए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह दीजिए आप, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद बच्चों क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद आप ये कह सकते हैं ये पोल्स की तरफ मूव करता है। इस केस में इन होमोलोगस क्रोमोजोम्स में स्प्लिटिंग नहीं होती, इसका मतलब सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं होगा, सेंट्रोमियर पृथक नहीं होंगे लेकिन गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाएंगे, गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाएंगे, और ऐसा आपको डेफिनेटली एनाफेज फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा जो मियोसिस फर्स्ट का स्टेज है। इवन आप ये भी कह सकते हैं दिस मियोसिस इज स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज्ड बाय दिस इवेंट्स। जितने सारे क्रोमोजोम्स हैं, जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन सेल में है, 46 क्रोमोजोम्स हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अरेंज होता है। उसके बाद ये जो क्रोमोजोम्स हैं इनके सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग नहीं होती, ये क्रोमोजोम्स का जो होमोलोगस पेयर है उसी में सेपरेशन हो जाता है, तो इसका मतलब सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हुआ और क्रोमोजोम्स जो है वो पोल्स की तरफ चले गए, तो स्टेटमेंट थर्ड जो है बच्चों वो भी परफेक्ट है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, अब देखो रिकॉम्बिनेज एंजाइम के एक्शन कहां जरूरी है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑब्वियस है जो पैकाइटिन है उस पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है उसका एक्शन रिक्वायर्ड है। यहां आपको डिप्लोटीन दे रखा है तो डेफिनेटली जो इनकरेक्ट मैच होगा, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, ये इनकरेक्ट मैच होगा फोर्थ वन। क्लियर। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली डिपेंड्स ऑन। स्टूडेंट्स एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपको दे रखी है, और देखिए ये जो है वो अपने आप में इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स और डीएनए जो है उनके सेपरेशन के लिए बच्चों ये यूज की जाती है, और इसका एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल बेसिस है वो होता है वी कैन सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड द लेंथ। क्लियर। तो देखिए क्या किया जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए आप ये कह सकते हैं पॉजिटिवली एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, बट जैसे मास मैंने यहां लिखा या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, तो यहां फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डेफिनेटली एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेंथ ऑफ डीएनए जो है उसके अकॉर्डिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड लिखा मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम एनोड टू कैथोड। स्टूडेंट्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बात कर रहा है, जबकि वो अल्टीमेटली एनोड की तरफ या पॉजिटिवली चार्ज जो एंड है उसकी तरफ ट्रांसफर होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। सीव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द एगारोस जेल नहीं, और वेक्टर का यहां रोल नहीं है, तो अल्टीमेटली जो लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है उसके बेसिस पर, लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट्स आप कहेंगे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। 158 इंक्रीज इन द यील्ड ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप में प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन यील्ड इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स इंडिया में लाया गया था, प्रोडक्शन यील्ड इंक्रीज करने के लिए 1950 से लेट 60s तक एक तरीके से अपने आप में एक स्पेसिफिक रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट इंडियन एग्रीकल्चरल फील्ड में था, भारतीय कृषि के क्षेत्र में। अब ये जो लब्धि अधिक प्राप्त हुई या उत्पादन लब्धि प्राप्त हुई हरित क्रांति के दौरान, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, देखिए इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज यहां यूज की गई, सबसे पहला रीजन आप कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं बहुत सेफ प्रोडक्टिविटी पे फोकस्ड होती है, लेकिन उनसे प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यूज ऑफ द पेस्ट एंड यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स ये भी डेफिनेटली प्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेस था आपके पास उसमें जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इंप्रूव किया गया उसको इंप्रूव किया जा सका बाय यूजिंग द इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। क्लियर। नेक्स्ट अगला है स्टूडेंट्स 159 फाइंड द इनकरेक्ट मैच। देखिए कुछ रेफरेंसेज आपको दिए हैं और इसी तरीके के ये रेफरेंसेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे, मैंने थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया है।
विटामिन ए कैरेट स्पिनच एंड पम्पकिन, डेफिनेटली आप कह सकते हैं गाजर पालक और कद्दू में विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। आपको यहाँ असुमेलित पहचानना है, इनकरेक्ट मैच जो है बच्चों उसको आपको यहाँ से डिटेक्ट करना है। फिर उसके बाद कह रहा है विटामिन बी बिटर गॉर्ड बथुआ मस्टर्ड एंड टोमेटो, आप यहाँ इसको कहेंगे इनकरेक्ट रेफरेंस है। अगर विटामिन सी लिखा होता तो डेफिनेटली आप इसको करेक्ट कह सकते थे। आयरन और कैल्शियम जो है वो स्पिनच और बथुआ, इन दोनों से आप डेफिनेटली ले सकते हैं और पालक और बथुआ से। उसके बाद प्रोटीन आपको दे रखा है जिसमें आपको स्टूडेंट्स ब्रॉड बीन लब लब डॉलिकस लब लब फ्रेंच एंड गार्डन पी जो फेबेसी के हैं पल्सेज हैं स्पेसिफिकली उन्हीं को इसमें मेंशन किया गया है, तो ये सही है। तो यहां अगर हम देखें तो जो बी होगा वो इनकरेक्ट मैच और इनकरेक्ट रेफरेंस होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रोटीन सब्सटेंसेज आफ्टर डीएमिनेशन एंटर इन द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स एक कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे एनसीईआरटी आपको देती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो ग्लूकोज है ये सिंपल सुगर है, ये ऑक्सीडेशन में जब जाता है तो यहां से फाइनली पाइरुवेट लास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस में बना दिया जाता है। इट इज द 6C1M एंड दिस पाइरुवेट इज द 3C2M। क्लियर। अब इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हम डिस्कस करते हैं उसमें एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट अगर आप प्रोटीन डिस्कस करें तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनका डीएमिनेशन होगा, अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट किए जाएंगे और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स इनकी एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, तो आप ये कहेंगे पाइरुविक एसिड में भी इनकी एंट्री हो सकती है, पाइरुवेट स्टेप में भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पाइरुवेट से जो एसिटाइल को एंजाइम बनता है, एसिटाइल को एंजाइम जो बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, यहां भी ये एंटर कर सकते हैं। और एसिटाइल कोएंजाइम अब स्टूडेंट्स क्रैब साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, आप ये भी कह सकते हैं कि इस क्रैब साइकिल के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें भी आफ्टर डीएमिनेशन प्रोटीन एंटर कर सकता है, वो डिपेंड करता है अमाइनो एसिड का नेचर क्या है। तो यहां देखिए कुछ मिक्स से ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम डेफिनेटली, एसिटाइल कोएंजाइम एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रैब साइकिल ये भी सही बात है, पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रैब साइकिल जो ऑप्शन थर्ड हमें दे रखा है ये स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, ये कंप्लीट ऑप्शन आपके पास है, तो आंसर यहां थर्ड हो जाएगा। फोर्थ जो दे रखा है 3PGL एंड एसिटाइल कोएंजाइम, ये आप कह सकते हैं फैट सब्सटेंसेस के लिए ठीक रहेगा जिसमें आप फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की एंट्री करवाते हैं। एनसीईआरटी में एक एम्फीबॉलिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन आपको दिया गया है, अगर उस एम्फीबॉलिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल एंट्री पॉइंट या कॉमन एंट्री पॉइंट फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और उसका आंसर आप कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, ऑटोगेमी कैन अकर इन द कैस्मोगेमस फ्लावर। देखिए बच्चों ऑटोगेमी का मतलब ये होता है, ये कोई एक फ्लावर अगर आप देख रहे हैं इसमें आप कह सकते हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये अल्टीमेटली मेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट विद इन ए फ्लावर, और इसमें क्या होगा द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर और द मेल सेक्स ऑर्गन विल ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो पोलन ग्रेन और परागकण है वो अपने ही पुष्प के समान पुष्प की उसी पुष्प की प्रतिकाग्र पर बच्चों स्थानांतरित होंगे, इस प्रोसेस को आप ऑटोगेमी या फिर क्या कहते हैं स्वयंयुग्मन। अब इसमें आपको कह रहा है कैस्मोगेमस फ्लावर, तो कैस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं ये कैस्मोगेमस फ्लावर हाईली एक्सपोज्ड होते हैं, हाईली एक्सपोज्ड होने की कंडीशन आप ये कह रहे हैं कि यहां देखिए क्या होगा जो मेल सेक्स ऑर्गन में एंथर है वो भी अपने आप में मैच्योर होके लॉन्ग स्टाक के साथ एक्सपोज होगा और जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा भी रिसेप्टिव कंडीशन में होगी, ये भी एक्सपोज कंडीशन में होगी, ये दोनों एक्सपोज कंडीशन में होंगे। तो ऑटोगेमी कब हो सकती है जब कैस्मोगेमस टाइप का फ्लावर हो। पहला लिखा है पॉलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की मैच्योरिटी से पहले अगर पॉलन मैच्योर हो जाता है तो ये ऑटोगेमी की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है। ओव्यूल मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलन, ओव्यूल जो है वो मैच्योर हो गया पॉलन की मैच्योरिटी से पहले, तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन या परफेक्टली सेल्फ पॉलिनेशन जो ऑटोगेमी है स्वयुग्मन है उसकी पॉसिबिलिटीज या संभावनाओं को बच्चों खत्म कर देगा। फिर लिखा है बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। अब देखिए पहली बात तो ये कैस्मोगेमस फ्लावर्स है, इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड कंडीशन में है, तो क्रॉस पोलिनेशन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, अधिक संभावनाएं हैं, तो उस क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करने और क्रॉस पोलिनेशन को आप ये कहिए
प्रिवेंट करने के साथ साथ सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पोलन और ओव्यूल जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली या साथ साथ मैच्योरेशन होना चाहिए, अर्थात होमोगेमी, बच्चों एक आपने पढ़ा होगा टर्म आपको बताया जाता है, होमोगेमी इनमें होना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट सेम टाइम, दोनों एक समान समय में क्या होंगे, मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, इसलिए आप ये कहेंगे ये जो है वो किसको परफॉर्म करवा देगा, ऑटोगेमी को, एंथर एंड स्टिग्मा हैव अनइक्वल लेंथ, तो ये अपने आप में क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, सो द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड, थ्री, 162, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स से कितने फीचर रिलेट करते हैं, देखिए पहला लिखा है मोस्टली होमोस्पोरस, बच्चों गलत बात है, ये हेटरोस्पोरस होते हैं, फिर लिखा है स्पोरोफाइटिक बॉडी मेन प्लांट बॉडी, ऑब्वियस है जिम्नोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म्स में दोनों में, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स में भी मेन प्लांट बॉडी 2N होती है स्पोरोफाइट, फिर लिखा है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट, स्टूडेंट्स एंथ्रीडिया की प्रेजेंस नहीं होगी, आर्किगोनिया डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, इनकरेक्ट, सीड्स आर नेकेड, डेफिनेटली सीड्स इसमें नेकेड होते हैं, और ओव्यूल्स की बात अगर बच्चों की जाए तो ओव्यूल्स जो है वो कह रहा है एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होगा, यहाँ ओव्यूल्स जो है वो नेकेड होते हैं, ओवरी में एनक्लोज्ड नहीं होंगे, तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है और ई इनकरेक्ट है, ओव्यूल एब्सेंट नहीं होता, ओव्यूल प्रेजेंट होता है बट नेकेड होता है, तो आप अगर देखेंगे तो टू स्टेटमेंट्स जो है, टू रेफरेंसेज जो है दैट आर रिलेटेड विद द जिम्नोस्पर्म्स, इसमें एक आपको दिया गया है स्पोरोफाइटिक बॉडी इज द मेन प्लांट बॉडी एंड डी सीड आर द नेक, ठीक है, बी एंड डी, सो आंसर विल बी द टू, नेक्स्ट, सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक आर रेस्पेक्टिवली, देखिए बच्चों सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक आप ये कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक वेराइटी है, प्लांट वेराइटीज है, उनके सीड्स का आप कलेक्शन करते हैं, इनको स्टोर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और इसी तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, लिक्विड नाइट्रोजन या N2 के साथ आप कह सकते हैं बच्चों क्या होगा, कोई भी लिविंग स्टोक जो है उस लिविंग स्टोक को प्रिजर्व किया जाएगा, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही जो है वो इन विट्रो प्रोसेस है, आप ये कहेंगे ये दोनों ही जो है वो ऑफसाइट कंजर्वेशन टेक्निक है, इसलिए सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन दोनों के लिए ही आप ये कह देंगे, ये है XC2, सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन बोथ आर XC2, तो देखिए XC2 एंड XC2 मोड ऑफ द कंजर्वेशन, यहां थर्ड आंसर बच्चों जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आप जानते हैं इकोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों में ये रेफरेंस दिए जाते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन अगर होता है जो जहां है अगर वहीं कंजर्व किया जाता है तो उसको आप कहते हैं इन सीटू, उसको आप क्या कहेंगे इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन, लेकिन जो जहां है उसके बजाय उसको किन्हीं आर्टिफिशियल्स और कंट्रोल्ड कंडीशंस में ले जाके आपने कंजर्व करवाया है तो वो अपने आप में XC2 कहा जाएगा, तो ये दोनों ही जो है वो XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन होगा। 164, इन द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट आप करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें देखिए डेफिनेटली जो रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स है वो होगा, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड, वहां बेसिकली सबसे पहले लार्ज साइज पार्टिकल्स जो है जो इंप्योरिटीज होती है उनको अलग किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आप ये कह सकते हैं उसी का पार्ट है, तो ऑब्वियस है ये बहुत इजी रेफरेंस एक दे रखा है आपको, आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ, नेक्स्ट, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैव एन, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लाइक ब्रायोफाइट्स, नहीं, देखिए अब इसमें आपको एक बात ध्यान देने की है बच्चों, मेन प्लांट बॉडी इज 2N स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म में, एंड द गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, जो गैमेटोफाइट है ये गैमेटोफाइट यहां एन जो होगा वो बच्चों हाईली रिड्यूस्ड होगा, हाईली रिड्यूस्ड, अब हाईली रिड्यूस्ड होने की कंडीशन में देखिए क्या है, ये जब हाईली रिड्यूस्ड है तो सिंगल सेल के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है या फिर फ्यू सेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है, तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बच्चों ये फ्यू सेल्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड होगा, और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो आप जानते हैं एलैबोरेटिव होती है, मल्टी सेल्ड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट का, द गैमेटोफाइट विल रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट इन हाईली रिड्यूस्ड कंडीशन, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये भी गलत हो गया, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट बॉडी एट रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर,
बीजाणुद्भिद काय संरचना जो है उस पर हासित संरचना के रूप में निर्भर करता है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इसका आंसर होगा। फोर्थ लिखा है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक बॉडी एज एन एलोबरेटिव स्ट्रक्चर, एलोबरेटिव नहीं होगा ये स्टेटमेंट, एलोबरेटिव के कारण गलत हो गया। मैंने अभी आपको बताया ये एलोबरेटिव होने के बजाय हाईली रिड्यूस होंगे, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होगा और स्पोरोफाइट जो है वो एलोबरेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट 166 प्रोडक्शन ऑफ एपोमेक्टिक सीड इज यूजफुल टू मेंटेन। देखिए एपोमेक्टिक सीड्स प्रोड्यूस करिए और हर साल किसान सेवा केंद्र पर जाने से बचिए। किसान सेवा केंद्र पर हर बार हाइब्रिड सीड्स दिए जाते हैं, उन हाइब्रिड सीड्स को लाके हम अपने खेत में अपने फील्ड में कल्टीवेट करते हैं, उनसे प्रोडक्शन लेते हैं। अब वो हाइब्रिड के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो हर बार हाइब्रिड नहीं रहता, तो क्या है उसकी रेमेडी आपको बताई गई है कि एपोमेक्टिक सीड्स जो है वो आप तैयार कर लीजिए। तो फायदा क्या है, हाइब्रिड हर बार हाइब्रिड नहीं रहता लेकिन एपोमेक्टिक सीड जो है वो अपने पेरेंट जनरेशन के करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट प्लांट विल बी मेंटेन्ड, ये सही बात है। सेग्रीगेशन ऑफ द करेक्टर्स, ये करेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होने देगा, जबकि यहां लिखा है सेग्रीगेशन ऑफ द करेक्टर्स, तो आप ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे हो सकता है सेकंड ऑप्शन पे चले जाएं लेकिन फर्स्ट ऑप्शन पे आप ध्यान दें, इट विल मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट प्लांट। आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको, यही बेसिक इसमें रेफरेंस था। एडवांस सीड फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट प्रोजेनी, आप देखिए नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए सीड फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन एडवांस इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टीज ये रखता है, इसका मतलब वेरिएशंस ये लीड नहीं करवा सकता। और फिर लिखा है मोर सस्टेनेबल सीड्स, ऐसा नहीं है, सस्टेनेबल सीड वही होगा जिसमें वेरिएशंस ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ एपोमेटिक सीड्स इज यूजफुल टू मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट सीड्स। क्लियर, नेक्स्ट वन, वन मिनट प्लीज जी। 167 द फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल चेंजेस अकर्स बेस्ट इन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पे मेंटेन करती है। इकोलॉजी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब चेंज हो रहा है तब ऐसा कर रही है, मतलब फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट कर रही है, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब दे सकती है। स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया एक जीव के आंतरिक वातावरण का बाह्य परिवर्तनों के प्रति कार्यकीय नियमन फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन अधिक उपयुक्त प्राप्त होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में सबसे पहले आपके लिए पकड़ने वाली बात है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, कार्यकीय नियमन, ऑब्वियस है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन और कार्यकीय नियमन उसी में होता है जो होमियोस्टैटिक होगा, समस्थापक जीव जो होगा उसी में कार्यकीय नियमन के द्वारा आंतरिक वातावरण को इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट पे मेंटेन किया जा सकता है। तो अब देखिए उसको ज्यादा अच्छा कब गेन किया जा सकता है, ये एक इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म का 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चों हम मान लें हम ह्यूमन के केस में मान लीजिए बात करें, ह्यूमन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट मेंटेन करता है, लेकिन अब इसको भी मेंटेन करने के लिए बेस्ट मेंटेनेंस ये कब कर सकता है, जब आप ये कहेंगे फ्लक्चुएशन इन वन एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, कम्युलेटिव इंपैक्ट आएगा। तो सिर्फ एक एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर फ्लक्चुएशन आते हैं, परिवर्तनशीलता अगर आती है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये अपने आप में सुटेबल नहीं है, हाई रेंज ऑफ द फ्लक्चुएशन कभी नहीं हो सकता, ओनली वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है, जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में होम्योस्टेटिक रेगुलेटर हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप का हो नेचर के आगे वो सरेंडर नहीं करता, उसका जो रेगुलेटिंग रेंज है मतलब उसका जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड में डेफिनेटली बच्चों को रेगुलेट करने का एफर्ट करता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड आपने कहा 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है जिसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अपने रेगुलेटिंग रेंज में सारे ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करने का एफर्ट करते हैं, तो फिर बेस्ट कब मैनेज किया जा सकता है या फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के थ्रू इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पे कब बेटर अचीव किया जा सकता है, कब रेस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म के बेटर हो सकते हैं, आप कहेंगे नैरो रेंज ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका फ्लक्चुएशंस अगर नैरो होगा तो डेफिनेटली जो है वो ज्यादा अच्छा रेगुलेट कर पाएगा। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दो स्टेटमेंट में बता देता हूं, याद रखना कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। सबसे पहली बात, नैरो रेंज ऑफ द फ्लक्चुएशन विल लीड द बेटर एडजस्टमेंट, बेटर रेस्पॉन्स, बेटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, नैरो फ्लक्चुएशंस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, द वाइड रेंज ऑफ द टॉलरेंस, उसकी टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी वाइड होनी चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट के फ्लक्चुएशंस अगर उसके आसपास की जो कंडीशंस हैं उनमें जो फ्लक्चुएशंस अगर वो नैरो रहेंगे
सो होम्योस्टेसिस कैन अचीव एट इट्स बेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट 168. द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन नेचर इज मेनली डिपेंड्स ऑन द डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन प्रोसेस जो है उस पर न्यूट्रिएंट साइकिल मेनली डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स मेनली एक वर्ड लिखा है, इसी पे क्वेश्चन हो सकता है, फोकस्ड हो. आगे चलते हैं. आफ्टर दिस डीकंपोजिशन द बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग कैरिड आउट बाय. तो यहां कहा गया प्रकृति में जो पोषक चक्रण है मुख्यतया मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन पर निर्भर करता है, डीकंपोजिशन पर निर्भर करता है. इस अपघटन के बाद जैव भू रासायनिक चक्रण संपन्न करवाया जाता है. तो जो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग है वो कौन संपन्न करवाता है? देखो यहां सेप्रोफाइटिक फंजाई लिखा है. सेप्रोफाइटिक फंजाई सिर्फ डिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करता है. डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उससे आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स मिनरल्स को रिलीज करवा सकता है. कोई भी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिर्फ मिनरल रिलीज की एक्टिविटी करवा सकता है, लेकिन रिजर्वोयर से साइक्लिंग में और साइक्लिंग से रिजर्वोयर में वही ऑर्गेनिज्म ले जा सकता है जिसका अपने आप में कैसा नेचर हो, कीमोसिंथेटिक नेचर हो. तो डेफिनेटली यहां बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में जो रोल प्ले करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो आप ये कह सकते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे. ऑस्मोट्रॉप्स वो ही हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपना न्यूट्रिएंट्स और अपने सप्लीमेंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैक्रेड ग्रोव ऑफ इंडिया इज इन राजस्थान. तो देखिए खासी एंड जयंता हिल्स आपको दे रखी है, चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट आपको दे रखा है. बच्चों कोई डाउट वाली बात नहीं, इसमें अरावली हिल्स लिख रखा है. कई बार बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ये एनसीईआरटी ने ऐसे कैसा लिख रखा है. अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के पवित्र उपवन के रूप में मानी जाती हैं, राजस्थान में हैं. ये बात अलग है कि हमने इनको पवित्र मानते मानते काफी खत्म कर दिया है. हाँ मान अभी भी रहे हैं. आंसर होगा फोर्थ. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टिलमैन हाउ स्पीसीज रिच बायोलॉजिकल कम्युनिटी शो मोर स्टेबिलिटी. तो देखिए कौन सी बायोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबलिस जो हो गई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. डेविड टिलमॉन का अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है और उसके लिए सबसे बेसिक बात यह है कि ईयर आफ्टर ईयर अगर किसी बायोटिक कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए, वर्ष दर वर्ष हर बार साल दर साल अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की पर्टिकुलर बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय की उत्पादकता में अगर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आए तो वो स्टेबल होती है. ठीक है, देखिए ये कह रहा है प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास. वही स्टेटमेंट लिखा गया जो मैं बोल रहा हूं कि अधिक प्रजातियां हो, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और इसके अलावा वर्ष दर वर्ष अपनी उत्पादकता में बहुत कम परिवर्तन प्रदर्शित करती हो, ये स्टेबल होगी. इसके बाद लिखा है इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू द हाई प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी अपने आप में हाई है तो ऑब्वियस है वो स्टेबल है. ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, मैंने सबको ऐसे का ऐसा लिखा है, ऐसे मेंशन किया है क्योंकि जनरली बच्चों का फोकस फर्स्ट पे ही होता है. फिर लिखा है प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज. जो बाहर की स्पीसीज हैं या एलियन स्पीसीज हैं, एक्जोटिक स्पीसीज हैं, उनका एक इम्पैक्ट रहता है. इसलिए आप ये कहेंगे उनके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी है तो वो भी अपने आप में क्या होगी, स्टेबल कम्युनिटी होगी. सो द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट 171. पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ए कैरियर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन से या अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में क्यों नहीं जा सकते? देखिए आप ये जानते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है मेम्ब्रेन्स. जो मेम्ब्रेन्स हैं बेसिकली दे आर द फॉस्फोलिपिड बायलेयर और जो इसमें हेड और टेल रीजन है इसका वो पोलरिटी शो करता है. जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नॉन पोलर लिपिड लेयर से मूव नहीं कर सकते. इसलिए स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं ऐसा करवाने के लिए फिर क्या पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप ये कह सकते हैं ऐसा करवाने के लिए यहां बेसिकली कैरियर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑप्शन में आपको दे रखा है दे कैन नॉट पास थ्रू द पोलर लिपिड लेयर. नहीं, दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड लेयर. ये आपके पास परफेक्ट आंसर हो जाएगा. दे मूव्स ऑलवेज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ऐसा नहीं है, दे कैन मूव अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ऑल्सो द अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. वो सांद्रता प्रवणता के साथ भी गमन कर सकते हैं और सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी बच्चों उनमें गमन करने की क्षमता होती है. दे आर लार्ज साइज होंगे तो गमन नहीं कर पाएंगे. अब बेसिक रेफरेंस समझ लीजिए, कौन कौन मूव नहीं कर सकता. लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, चार्ज आयंस नहीं जा सकते. आप ये कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनका मूवमेंट नहीं हो सकता. और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्यों नहीं हो सकता. तो आपके पास कंटिन्यूस जो फॉस्फोलिपिड लेयर है या बायलिपिड लेयर है ये इसका परफेक्ट रीजन है बच्चों. क्लियर. नेक्स्ट,
द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ए, ब्लैंक छोड़ा गया, फॉलोइंग बाय द एक्सपोजर ऑफ बी रेडिएशन. तो देखिए आप ये जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में एक्सपोज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, जिनसे उनको विजुअलाइज कर लिया जाए और स्टेनिंग उसकी की जाती है इथिडियम ब्रोमाइड के साथ. इथिडियम फ्लोराइड नहीं होगा, इथिडियम फ्लोराइड, इथिडियम ब्रोमाइड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. बहुत बेसिक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है बच्चों. इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ आप ये कह सकते हैं ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है. जो पृथक्कृत डीएनए खंड है उनको आप तभी देख सकते हैं जब इथिडियम ब्रोमाइड से आपने अभिरंजित किया हो, स्टेन किया हो और साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और यूवी रेज में उनको आप एक्सपोज कर रहे हो. क्लियर. नेक्स्ट वन 173 विद सर एज द इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पैडी. जो पैडी फील्ड है आपसे राइस फील्ड की बात कर रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या होगा. तो देखिए धान के खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक और ऑब्वियस ऑर्गेनिज्म होगा. अब फंजाई जो है वो बेसिकली सैप्रोफाइटिक नेचर का होता है, जैव उर्वरक नहीं होता. राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एंड टू फिक्सेशन की एक्टिविटी करता है. एजोस्पाइरिलम और साइनोबैक्टीरिया आपको दे रखा है. स्टूडेंट्स आप जानते हैं एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी और इसके अलावा जो है नोस्टॉक, ये कुछ बीजीए या साइनोबैक्टीरिया है जो पैडी फील्ड्स में इनोकुलेट किए जाते हैं जिससे एंड टू फिक्सेशन वहां बढ़ाया जा सके, नाइट्रोजन के लेवल वहां बढ़ाए जा सके और नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उससे ओवरकम करवाया जा सके. तो आपका परफेक्ट आंसर यहां हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया. क्लियर. नेक्स्ट है कंसिडर द गिवन एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों आपको दे रखे हैं और इनमें से आपसे पूछा गया है हाउ मेनी यूज एज ए वैक्टर. आप ये जानते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें वैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने आप में स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर को कंटेन करने वाले जीनोम को तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है. तो देखिए प्लाज्मिड डीएनए, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया डेफिनेटली वेक्टर होगा. बैक्टीरियोफेज डीएनए स्टूडेंट्स वेक्टर होगा. प्रियोन आरएनए आप जानते हैं वेक्टर नहीं होगा, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म ही होता है प्रियोन. फिर उसके बाद में विरॉइड आरएनए नहीं होगा. उसके बाद आपको दे रखा है रेट्रोवायरसेस, डेफिनेटली स्टूडेंट्स वेक्टर होंगे. ठीक है, तो प्लाज्मिड हुआ, बैक्टीरियोफेज डीएनए हुआ, रेट्रोवायरसेस हो गया. लाइकेंस आप जानते हैं एल्गी और फंजाई का कॉम्पोजिशन है, वेक्टर बिल्कुल नहीं होगा. टीआई प्लाज्मिड आप जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है, स्पेसिफिक रेफरेंस इसका एनसीईआरटी आपको देती है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम कहेंगे फोर वेक्टर्स आर देयर. जो चार कॉम्पोनेंट है, चार एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो वाहक के रूप में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में बच्चों प्रयुक्त कर लिए जाते हैं. नेक्स्ट वॉट इज द फैट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए विच इज somehow transferred into the alien organism. कोई piece of DNA किसी alien organism या दूसरे organism में transfer कर दिया गया. आपको कह रहा है कि DNA का एक खंड जो है उसका भविष्य क्या होगा जिसे एक बाहरी जीव में स्थानांतरित अगर किया गया हो. तो definitely students जो piece of DNA है that would not be able to multiply itself in progeny cells of the organism if it is not integrated with the genome of the organism. अगर host के genome के साथ ये जिस cell में डाला गया है उस सेल के जीनोम के साथ ये इंटीग्रेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है. उसके बाद में स्टेटमेंट इसमें अगर आप देखें तो थर्ड स्टेटमेंट देखो इसका ऑपोजिट लिखा है, एक तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख दिया गया है. इफ द एलियन डीएनए पीस या पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम इट विल बी रेप्लिकेट. सॉरी सेकंड स्टेटमेंट लिखा है इन एलियन पीस ऑफ डीएनए हैड बिकम ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इट विल रेप्लिकेट. तो उस होस्ट सेल के जो क्रोमोसोम या जीनोम है उसका पार्ट अगर बन जाता है तो डेफिनेटली रेप्लिकेट करेगा. फिर लिखा है कि अगर ओरिजिन साइट पर जो है ये अपने आप में जुड़ता है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रेप्लिकेट होगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पीस ऑफ डीएनए फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर सेल में एंटर करवाया गया है तो उसके फ्यूचर के फॉर्म में या फैट ऑफ द डीएनए क्या होगा, ये तीनों कंडीशंस बच्चों इसमें सही है, करेक्ट है. What will be the main function of filiform apparatus? Embryology से अगला क्वेश्चन आपके पास है. देखिए आप ये जानते हैं जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल जो होती है उस एग सेल के सराउंडिंग में दो सेल प्रेजेंट हैं जिनको आप कहते हैं बच्चों सिनर्जिड्स. अब एम्ब्रियो सैक में जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है उसको सिनर्जिड सेल में ही देखा जा सकता है और सिनर्जिड सेल्स में पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है आप कहेंगे सिनर्जिड सेल्स में पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है बच्चों इसको गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस. और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है.
इस पेपर में उन्हीं सारे कंपोनेंट्स पर, कंटेंट पर फोकस किया गया जो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एक तरीके से एक्स्ट्रा वॉल थिकनिंग हुई होती है, और जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ट्यूब की एंट्री को अल्टीमेटली बच्चों ये गाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, इट ब्रिंग आउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, नहीं पोलन ट्यूब को खोलता ये नहीं है। इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ये सही आंसर आपके पास हो गया। पराग नलिका का भ्रूण कोष में ये प्रवेश निर्देशित करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है। इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एंटीपोडल, गलत बात है, एंटीपोडल ये यहां होती है, ठीक है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब, नहीं एक से ज्यादा नहीं रोक पाता है। पोली एम्ब्रियोनी के केस में आप एक रीजन या एक कारण ये भी पढ़ सकते हैं कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर हो गई है। क्लियर, सो सेकंड आंसर यहां स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल, देखिए बच्चों ये फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, आप जानते हैं एग सेल सिनर्जिड्स, ये आप जानते हैं पोलर न्यूक्लियाई है, ये एंटीपोडल्स हैं, और इस तरीके से ये जो है वो ओव्यूल जो अपने आप में मेगास्पोरिंजियम है ये डेवलप हो गया है। ओव्यूल की जो बॉडी होती है इसको बच्चों आप कहते हैं न्यूसिलस, और ये जो सेल्स हैं वो वेजिटेटिव सेल्स हैं। अब वो कह रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल, तो ऑर्डिनरी प्रोसेस से जो नॉर्मल प्रोसेस है उस नॉर्मल प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो सैक में तो एम्ब्रियो बन ही रहा है, मींस ये जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है एन, इसके साथ जो मेल गैमेट आएगा वो इंटरेक्ट करके जायगोट बना देगा, वहां तो एम्ब्रियो बन ही रहा है। उसके अलावा वो कह रहा है कि वेजिटेटिव सेल्स जो ओव्यूल की हैं, इस बीजांड की जो कायिक कोशिकाएं हैं उनसे भी एम्ब्रियो का प्रोसेस फॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाता है। डेफिनेटली स्टूडेंट इसको मैं एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं कहूंगा, और पोली एम्ब्रियो नहीं उस केस में कहूंगा जब यहां पहले से एम्ब्रियो नॉर्मल प्रोसेस से ऑर्डिनरी प्रोसेस से बन ही रहा था, और साथ में आप ये कह सकते हैं एम्ब्रियो और डेवलप हो गया, ठीक है। एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस जो है ये आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेविएशन है बेसिकली बच्चों, जबकि यहां आपसे पूछा गया है कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो क्या कहा जाएगा, तो आप इसको कहेंगे एडवेंटिव प्रोसेस। क्लियर, नेक्स्ट, देर आर थ्री बेसिक टिप्स इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमओ जो होते हैं उनमें देखिए क्या करते हैं हम, डिजायरेबल जीन जो है उनको इंसर्ट करवा के या डिजायरेबल जीन इंसर्शन से हम जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ कहा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायर्ड जीन, डेफिनेटली सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ही करना होगा, कलेक्शन करना होगा और डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना होगा, ये सही है। फिर लिखा है क्लीवेजिंग डीएनए सेगमेंट विद लाइगेज, देखो क्लीवेज तो कह रहा है लाइगेज के साथ एंड जॉइनिंग विद देम एंडोन्यूक्लिएज, स्टूडेंट्स ये गलत हो गया, एंडोन्यूक्लिएज के साथ जॉइनिंग नहीं होगी, वो उसको कट करने में काम आएगा। फिर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट में इंट्रोड्यूस्ड जो डीएनए है जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, डेफिनेटली करवाया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टूडेंट्स यहां सही हैं, सेकंड जो है वो यहां क्या होगा इनकरेक्ट रेफरेंस होगा, और आपसे यही पूछा गया था व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव है उनको बनाने के लिए कौन सा स्टेप गलत है, तो डीएनए खंडों को लाइगेज से काटकर और एंडोन्यूक्लिएज से जोड़कर, ये स्टेटमेंट अपने आप में स्टूडेंट्स गलत है, आप जानते हैं बहुत बेसिक बात है। नेक्स्ट 179, द इंफॉर्मेशन कैरिड आउट बाय डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है वो कहां होंगी, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ द बेसेज इन द मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस कोई मतलब यहां नहीं है, सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्मिंग इन द बैकबोन, लेकिन आप जानते हैं नाइट्रोजन बेसेज जो होंगे, द ऑर्डर ऑफ द बेसेज इन द मॉलिक्यूल दे विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ट्रू सेंस, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू सेंस में पैरासाइट कहा जाएगा, तो देखिए पैरासाइट क्या होता है जो होस्ट की बॉडी पर इंटरेक्ट करे, तो यहां होस्ट को अगर आप बच्चों देखेंगे तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट होगा मतलब हार्म्ड होगा, और जो पैरासाइट है ये बच्चों पैरासाइट आप ये कह सकते हैं क्या होता है बेनिफिटेड यहां होता है, तो ये रिलेशनशिप अपने आप में होस्ट और पैरासाइट का होता है। ये कह रहा है ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, वो कभी भी पैरासाइट काउंट नहीं किया जाता, ये रियल सेंस का पैरासाइट नहीं है,
क्योंकि जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता वो अपने आप में लिविंग एग्जिस्टेंस या अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मान काउंट करवा सकता। तो जब तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है तब तक इंटरेक्शन ही काउंट हम नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स नहीं होगा। फिर दे रखा था फीमेल एनाफिली बाइट एंड सक द ब्लड फॉर ह्यूमन। देखिए पैरासिटिज्म जो है उसका एक डेफिनेशन है, डिफाइनिंग प्रोटोकॉल है, होस्ट की बॉडी पर और होस्ट की बॉडी में, ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट और इन द बॉडी ऑफ होस्ट द पैरासाइट विल सर्वाइव फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड और फॉर होल लाइफ स्पान, एक निर्धारित समय अवधि के लिए या फिर आप कह सकते हैं संपूर्ण जीवन काल के लिए जो पैरासाइट है, जो परजीवी है, वो अपने पोसी या होस्ट के शरीर पर या उसके शरीर में सर्वाइव करे, जीवन यापन करे, ये कंडीशन होती है। अब जब ये बाइट करता है आपको और ब्लड सक करता है तो ये तो कोई एक डेफिनेट टाइम पीरियड अपने लाइफ स्पान का परफॉर्म ही नहीं करता वहां। अगर ये पर्टिकुलर टाइम अपने लाइफ स्पान का या जीवन काल का वहां परफॉर्म करता तो क्या आप करने देते? नहीं करने देते। तो डेफिनेटली जो है ये भी पैरासिटिव्स का एग्जाम्पल नहीं है। फिर कह रहे हैं लाइसेस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लाइंग एग्स ऑन द ह्यूमन हेयर, ये डेफिनेटली एग्जाम्पल होगा बच्चों आपको दे रखा है एनसीईआरटी में। द कुको कॉयल लेज एग्स इन द क्रोज नेस्ट, ये ब्रूड पैरासिटिव का एग्जाम्पल है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है बच्चों ब्रूड पैरासिटिव का, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट, इन इक्वेशन फॉर एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दे दी, तो देखिए ये आप जानते हैं, ये हम पढ़ते हैं और इस तरीके से कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको ये ग्राफ अप्रोच कर जाएगा और जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच करेगा ये आप कह सकते हैं सिग्मॉइड कर्व के फॉर्म में टर्न आउट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसके लिए हम लिखते हैं कि जो dn अपॉन dt है मींस द जो चेंज है दैट इज rn k माइनस n अपॉन k। बच्चों ये k माइनस n अपॉन k जो है वो अपने आप में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है जो बायोटिक पोटेंशियल पर लगा दिया गया है। यहां आपसे ये पूछा है कि इसमें r क्या होगा, जो स्मॉल r होता है दैट इज बेसिकली द बायोटिक पोटेंशियल और आप ये जानते हैं इसको बायोटिक पोटेंशियल को यहां हम काउंट ये भी करते हैं r इज इक्वल्स टू b माइनस d, ये एनसीईआरटी में सब आपको दे रखा है। कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको k से मेंशन किया जाता है बच्चों, बायोटिक पोटेंशियल को r से, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल अभी मैंने बोला k माइनस n अपॉन k है और पॉपुलेशन का जो साइज है उसको कैपिटल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पिछले कई सालों में एग्जाम में आए हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड, तो आप अच्छे से पढ़ लें। फिर देखिए फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी है फिजियोलॉजी भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन लिया है। द गिवन फिगर शोज द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट अंडरगोज टू फेजेस ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास बच्चों जायगोट है, ये डिवाइड होता है तो आप देखो टू सेल स्टेज फोर सेल स्टेज, ठीक है इसमें ये आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं एट सेल स्टेज बच्चों यहां आ जाती है, तो टू फोर एट एक तरीके से मल्टीपल इंक्रीज यहां हो रहा है। तो जो ए फेज है वो जियोमेट्रिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ये जो जितना है एग्जिस्टिंग उसका डबल हो जा रहा है। बी स्टेज में अगर आप देखें तो कुछ सेल्स जो है वो डिविजन में कैपेबल है और कुछ लॉस कर चुकी है अपनी कैपेसिटी, इसका मतलब बच्चों क्या हो गई है परमानेंट। तो इस केस में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ सेल्स वैसे इंक्रीज नहीं होगा जैसे ए में इंक्रीज हो रहा था, तो ए जो है वो तो अपने आप में जियोमेट्रिक फेज है और जो बी है वो अपने आप में कौन सा फेज है, अर्थमेटिक, ठीक है। ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, ए अर्थमेटिक गलत हो गया सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। ए एक्सपोनेंशियल फेज डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल है लेकिन बी को बच्चों यहां स्टेशनरी दे दिया, ये स्टेशनरी फेज काउंट नहीं होगा, ये अर्थमेटिक ग्रोथ टाइप ही होगा। तो आपसे पूछा गया ए एंड बी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, स्टेशनरी फेज में एक कॉन्स्टेंट फॉर्म जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो बी है उस बी में आपके पास आप ये कह सकते हैं क्या हो गया है, यहां बी में अर्थमेटिक ग्रोथ और ए में जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, गौसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी। गौसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ह्यूमंस आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एजेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस, नहीं ऐसा गौसे नहीं कहते। देखिए गौसे जो है वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अनाउंस करते हैं और इसमें लिखा है सेकंड ऑप्शन में, इन ए कॉम्पिटिशन फॉर सिमिलर रिसोर्सेज बोथ द पार्टिसिपेंट आर बेनिफिटेड, कॉम्पिटिशन में कभी भी पार्टिसिपेंट बेनिफिटेड नहीं होते। थर्ड ऑप्शन, इन ए कॉम्पिटिशन बोथ द पार्टिसिपेंट आर एक्सक्लूडेड, दोनों कभी भी एक्सक्लूडेड नहीं होते स्टूडेंट्स।
टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर वन विल एलिमिनेटेड इवेंटली, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो इसका आंसर होगा। यही स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने मेंशन किया, एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया, तब भी सेम पूछा गया था। समान संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा कर रही दो निकट संबंधी जो जातियां हैं उनमें से एक जो होगी वो समय के साथ बाहर कर दी जाएगी, जो अपने आप में इंफीरियर होगी और जो सुपीरियर होगा वो वहां सर्वाइव करेगा। ये गोसे का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम है, जबकि ये सारे केसेज में सही लागू नहीं होता। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं जो आपस में संसाधनों का साझा करके, रिसोर्सेज जो है उनको शेयर करके, अपने फॉरेजिंग पैटर्न्स जो है उनको चेंज करके कोएग्जिस्टेंस में भी रहती हैं, क्लियर। लेकिन इस केस में आपका आंसर गोसे स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, एन इंटरनेशनल ट्रीटी नॉन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन द मॉन्ट्रियल कनाडा। आप जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो इमिशन के फैक्टर है उनके कंट्रोल के लिए ऐसा किया गया था। बहुत डायरेक्ट आंसर मैं कर सकता हूं, फॉर द कंट्रोल द इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सेकंड आंसर बच्चों 184 का हो जाएगा। फिर 185, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको देखने हैं। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम रिप्रेजेंट लीस्ट जेनेटिक डायवर्सिटी, डेफिनेटली लीस्ट जेनेटिक डायवर्सिटी होगी क्योंकि एक ही क्रॉप वहां है, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप है, तो ऑब्वियस है वहां जो है वो सेम जीन पूल को वो शेयर करेंगी। कंटिन्यूस एंड वेरिएबल इनपुट ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन द इकोसिस्टम, डेफिनेटली कंटिन्यूस एंड वेरिएबल इनपुट होगा एनर्जी का एंड लॉस भी डेफिनेटली होगा, ये साइक्लिंग की बात बच्चों कर रहा है। एंटायर बायोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल इकोसिस्टम, ये भी डेफिनेटली सही है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एन इनपुट, बच्चों डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट एन इनपुट, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द इकोसिस्टम। जहां एनसीईआरटी में इकोसिस्टम आपको दिया है वहां इनपुट आउटपुट और साइक्लिंग जो है वो इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के फॉर्म में आपको बताए गए इंट्रोडक्शन में ही। इनपुट में देखिए सोलर रेडिएशन एनर्जी इनपुट है, जैसे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। आउटपुट में डिग्रेडेशन के बाद में जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो काउंट होता है, और जो साइक्लिंग है बच्चों उस साइक्लिंग में एनर्जी का ट्रांसफर, बायोमास का जो ट्रांसफर है वो काउंट किया जा रहा है, क्लियर। 186, अब देखिए सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। सेक्शन बी में थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन रहे, जैसा एक्सपेक्टेड है एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रेफरेंस ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन के केस में इनकरेक्ट रेफरेंस आपको ऑप्टेन करना है। सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, डेफिनेटली एक्टिव साइट जो है उसी पे आप ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड होता है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट डज नॉट रिवर्स, देखिए लॉट ऑफ सक्सीनेट मतलब बहुत सारी मात्रा में सक्सीनेट जो है, बहुत अधिक मात्रा में सक्सीनेट का योजन जो है वो मेलोनेट द्वारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के संदमन का प्रतिपन्न नहीं करता है। तो यहां कहा गया एडिशन ऑफ लॉट ऑफ द सक्सीनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ द सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, ही अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आप जानते हैं मेलोनेट जो है वो इनहिबिटर के फॉर्म में एक्ट करता है। ए नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड विद द एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड द सबस्ट्रेट, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होगा वो कैसे होगा, तो आप ये कह सकते हैं वो जो बाइंडिंग साइट है वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। एक अप्रतियोगी संदमक एंजाइम को एक ऐसे स्थल पर जोड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल से भिन्न है। और फिर लिखा है मेलोनेट इज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां 186 के केस में आंसर हो जाएगा सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट, इन बायोलॉजी लेबोरेटरी ए प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज यूज्ड एज द डेमोन्स्ट्रेट यूज्ड एज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनिज्म। वन ऑफ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंसिडर्ड मल्टी सेलुलर, इसको मल्टी सेलुलर क्यों नहीं काउंट किया जाए। तो देखो जब बहुत सारी सेल्स उसमें होती है ना तो वहां एक करेक्टराइजेशन आप पहले ही समझ लीजिए, नो डिस्टिंक्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ सेल्स या लिमिटेशंस ऑफ द सेल्स। जब वो एग्रीगेट होती हैं तो वो जो सेल्स हैं उनकी लिमिटेशंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वहां बहुत सारे न्यूक्लियसेज आपको दिखाई देते हैं बट सेल की बाउंड्री को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो ये कह रहा है द प्लाज्मोडियम इज अनडिवाइडेड बाय मेम्ब्रेन एंड कंटेन मेनी डिप्लोइड न्यूक्लियाई, देयरफॉर इट इज नॉट टेक्निकली मल्टी सेलुलर। तो टेक्निकली तो मल्टी सेलुलर नहीं है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपने आप में क्या है, जो स्लाइम मोल्ड है उसका फॉर्म है, एसेलुलर फॉर्म की बात कर रहा है स्लाइम मोल्ड की,
और ये कह रहा है कि वो जो है वो अनडिवाइडेड बाय द मेम्ब्रेन, इसका मतलब डिस्टिंक्शन नहीं है, कंटेन मैनी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियाई वहाँ जो है वो कंटेन करेगा, और टेक्निकली जो है वो मल्टीसेलुलर नहीं कहा जाएगा। द डिस्टिंक्ट सेल्स दैट मेक अप द प्लाज्मोडियम डू नॉट कॉपरेट, देखिए ये कॉपरेशन का कोई लॉजिक इसमें बनता नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सेक्सुअली, अब अच्छा सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि उसको मल्टीसेलुलर नहीं कहा जाए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी, ऐसा नहीं है बच्चों, एनिमेलिया और प्लांटी के अलावा भी किंगडम फंजाई जो खुद है वो भी मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म का है। तो इस केस में अगर हम देखें तो 187 में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप कहते हैं ग्लूकोज है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स हैं, इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं बच्चों, और इससे एनर्जी रिलीज होती है जिसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। रेस्पिरेशन कॉजेज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स रिलीजिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली सही है फर्स्ट और सेकंड, एक तरीके से एक्सप्लेनेशन वे में ही लिखे हैं कि जो मैकेनिज्म है फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, उससे एनर्जी मिलती है, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है बच्चों वो ब्रेक कर लिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, सही लिखा है जटिल यौगिकों के कार्बन कार्बन बंध का ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण ऊर्जा विमुक्त होती है। थर्ड लिखा है बच्चों द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, वो यौगिक जिन जो ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होने वाले यौगिक संदमनकारी पदार्थ कहे जाते हैं, वो इनहिबिटरी सब्सटेंस या संदमनकारी पदार्थ नहीं कहे जाएंगे, वो बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहे जाएंगे, आप ये कह सकते हैं उनको हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स उनको कह दिया जाएगा। तो ऑब्वियस है थर्ड जो स्टेटमेंट यहां दे रखा है वो बच्चों यहां इनकरेक्ट है, तो ऑप्शंस पे आइए, ओनली थर्ड विल बी द इनकरेक्ट, पूछा हमें यही गया ना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत विकल्प को चुनिए, तो गलत विकल्प ओनली थर्ड, इसका मतलब थर्ड जो है वो ही आपका क्या हो जाएगा यहां आंसर, क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, फोर टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आर आइडेंटिफाइड इन डायग्राम, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट टू ऑफ देम ए टू डी, मतलब आपको जो है ना वो ये जो चारों दे रखे हैं इनमें से कम दो करेक्ट मैच वाले ढूंढने हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स ए में, बी में आप देख रहे हैं एक्साइल बिल्कुल, और सी में आप देख रहे हैं पैराइटल, तो कैम्बर वगैरह में आपको दे रखा है ऐसा प्लेसेंटेशन। ए में आप देखते हैं मार्जिनल इनकरेक्ट हो गया, बी में अगर आप देख रहे हैं तो पैराइटल दे दिया, ये इनकरेक्ट हो गया, सी में आपको एक्साइल दे दिया जबकि वो पैराइटल है, पेरिफेरल है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ फर्स्ट। ये चारों डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं और जनरल रेफरेंस के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है। 190 ए बायवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, देखो ये बायवेलेंट होगा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें बायवेलेंट आप कहेंगे तो क्या होगा, टू क्रोमेटिड्स एंड वन सेंट्रोमियर, देखिए वन सेंट्रोमियर एंड टू क्रोमेटिड्स तो एक सिंगल क्रोमोसोम में ही होंगे, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं टू क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर, नो, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर, फोर क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमियर, तो क्या कहा जाएगा, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर, फोर क्रोमेटिड टू ऑफ ईच एंड टू सेंट्रोमियर विल बी देयर, थर्ड आंसर हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, व्हाई ए फ्रेगमेंट ऑफ एलियन डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया, तो देखिए साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में उसको रेप्लिकेट करने के लिए और ही साइट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डीएनए रिक्वायर हेलिकेज एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन, देखिए जो हेलिकेज है वो आप ये कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है इस हेलिक्स को अनवाइंड करने में ये रोल प्ले करता है, तो ये नहीं होगा। डीएनए फ्रेगमेंट लैक ओरी, डेफिनेटली डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो ओरी लैक करता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आगे पढ़ लेते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट बिकम अनस्टेबल इन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया रिक्वायर मोर देन वन ओरी रेप्लिकेशन प्रोसेस, सिंगल ओरी अगर हो तो भी आप ये कह सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट जो ओरी इनिशिएशन नहीं होल्ड करता इसीलिए वो क्या नहीं हो पाता है, रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट, देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये भी, आपको कह रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो फ्लोएम है दैट गेट ग्रेजुअली क्रस्ट,
तो जैसे मान लीजिए बच्चों ये वैस्कुलर कैम्बियम है, आप ये जानते हैं इस वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ कंटिन्यूसली सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। अब जितना सेकेंडरी जाइलम बनेगा उतना ही आप ये कह सकते हैं अंदर की तरफ बन रहा है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इस वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्राइमरी फ्लोएम तो पहले से ही पेरिफेरल हो चुका है। अब जितना सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, जितना वुड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा बच्चों, उतना ही आप ये कह सकते हैं बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा और सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम ग्रेजुअली क्या होते रहेंगे, क्रश होते रहेंगे। तो लिखा है एक्युमुलेशन ऑफ कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ वुड, डेफिनेटली कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ वुड मींस द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, कास्ट के संग्रहण तथा निरंतर निर्माण से इसका मतलब क्या हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्टिवेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम टुवर्ड्स आउटसाइड, वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिवेशन, देखो ये भी ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इस वैस्कुलर कैम्बियम का बाहर की तरफ जो एक्टिवेशन है, बाहर की तरफ अगर एक्टिवेशन होगा तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोएम क्रश नहीं होगा ना, सेकेंडरी फ्लोएम तो बनेगा फिर। और अल्टीमेटली होता क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ कम एक्टिव होती है, अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है, वो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा कट करती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन से वो क्रश थोड़े ना होंगे, वो क्वांटिटी में बढ़ेंगे। और फोर्थ लिखा है मोर एक्टिव कैम्बियम अकर आउटसाइड देन द इनसाइड, वो सेम ऑप्शन एक तरीके से स्टूडेंट्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्युमुलेशन कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ वुड। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस न्यूट्रिएंट्स मे विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजंस एंड ट्रांसफर टू द ग्रोइंग पार्ट्स इट इंडिकेट्स। देखिए ये ओल्डर प्लांट पार्ट है बच्चों, ये लीफ कुछ टाइम में डिटैच हो जाएगी प्लांट से, सेनेसेंट फेज में चली गई है, तो सेनेसेंट फेज में जब ये गई, डिटैच होने से पहले यहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं, और इन ओल्ड सेनेसेंट पार्ट से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रोइंग पार्ट्स को और यंग ग्रोइंग पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उनको वो दे दिए जाते हैं। क्लियर। तो यहां आपको ये कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी होती है वो क्या इंडिकेट करती है, कि जब जीर्ण भाग जो पादपों के हैं उनसे पोषक पदार्थों को वृद्धिकारी भागों को स्थानांतरित किया जाता है, तो देखिए ये शो ये करता है जो फ्लोएम सैप है दैट आल्सो कंटेन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम सैप दैट आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फ्लोएम सैप जो है उसी डायरेक्शन में, ये फ्लोएम सैप की डायरेक्शन में ही ये विड्रॉ करवाए जाएंगे। तो फ्लोएम सैप में आप सुगर सब्सटेंसेस कहते हैं, सुक्रोज सॉल्यूशन अल्टीमेटली वो होता है, तो वाटर और सॉल्यूट तो है, लेकिन ये जब विड्रॉ करवाए जाएंगे तो वहां क्या प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। एडिशनल डायरेक्शन ऑफ जाइलम ट्रांसलोकेशन, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, जाइलम ट्रांसलोकेशन का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज होती है। प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन जाइलम सैप वो ऑलवेज होते हैं, जो इससे इंडिकेट नहीं होता। एक्युमुलेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन ओल्डर रीजन, जो ओल्डर रीजन है, कई बच्चे इस पे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो वृद्धिकारी वृद्ध क्षेत्र है उनमें, सॉरी वृद्ध क्षेत्र जो है उनमें खनिज पोषकों का संग्रहण नहीं, उनमें जो प्रेजेंस होती है उस प्रेजेंस को वापस से क्या किया जाता है, विड्रॉ करवा लिया जाता है। तो जो विड्रॉ करवाए जाने की एक्टिविटी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो फ्लोएम सैक है उसमें भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सॉरी, नेक्स्ट 194, द स्पिरिकल आउटग्रोथ इन रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट कैन ऑब्टेन एज हेल्दी नोड्यूल्स, कब, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अप्रूव्ड द प्लांट बिफोर द फ्लॉरिंग। स्टूडेंट्स इसका बेसिक रीजन है, ये जो रूट्स हैं इन रूट्स में रूट नोड्यूल्स बनते हैं, ये रूट नोड्यूल्स स्पिरिकल आउटग्रोथ होती हैं। अब प्लांट में लीफ बन गया, वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप हो गए, फ्लॉरिंग प्रोसेस प्लांट में हो रहा है। फ्लॉरिंग प्रोसेस से पहले अगर आप अप्रूट करेंगे तो इनको आप हेल्दी देखेंगे, क्योंकि फ्लॉरिंग प्रोसेस से पहले एरियल पार्ट्स में ग्रोइंग रीजन कंपेरेटिवली कम थे, तो जो फूड मटीरियल है वो ट्रांसलोकेट हो रहा था रूट्स को, जो कि सिंक होती है। लेकिन जैसे ही फ्लॉरिंग रीजन बनेंगे, फ्लावर फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिव रीजन बनेंगे, वैसे ही प्लांट में आप ये कह सकते हैं एरियल पार्ट्स में ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जितनी ग्रोथ यहाँ बढ़ेगी उतना ही फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन इन नोड्यूल्स की तरफ कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये नोड्यूल्स जो है वो साइज में रिड्यूस होने लगेंगी। तो आपको अगर हेल्दी रूट नोड्यूल देखना है, अपरूट ए प्लांट और कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लॉरिंग, ये स्टूडेंट्स कंसेप्ट दिया जाता है। तो आप ये कहेंगे ड्यूरिंग फ्लॉरिंग नहीं, ड्यूरिंग सीडलिंग नो, बिफोर फ्लॉरिंग स्टेज डेफिनेटली यू शुड अपरूट द प्लांट बिफोर द फ्लॉरिंग फेज। क्लियर। नेक्स्ट, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन बॉडी द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल। तो देखिए ये प्रीडेटर से प्रे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है,
बच्चों केमिकल डिफेंस आप इसको कहते हैं, इट इज नोन एज द केमिकल डिफेंस। और जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसने ये केमिकल डिफेंस कैसे एक्वायर किया, बहुत परफेक्ट रेफरेंस है, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन द पॉइजनस वीड्स। वो जो पॉइजनस वीड्स हैं उन पॉइजनस वीड्स पर फीड करते हुए अपनी कैटरपिलर स्टेज में ही ये केमिकल डिफेंस को जो है वो क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स एडल्ट स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड्स, यहाँ एडल्ट लिखा है इसलिए आंसर नहीं होगा। कलेक्टिंग द एक्सक्रीटा इन स्क्रीन, कोई स्किन कोई मतलब नहीं इन दोनों का, सेकंड ऑप्शन यहां परफेक्ट आंसर बच्चों आपको दे रखा है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, प्रोटोन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड इन लूमन ऑफ द थायलेकोइड। डेफिनेटली थायलेकोइड लूमन में प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है या प्रोटॉन्स पंप करवाए जाते हैं। पीएस सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट को ट्रांसफर होते हैं तो प्रोटॉन्स जो है वो पंप करवा दिए जाते हैं थायलेकोइड लूमन में। सही स्टेटमेंट है। NADP is finally acceptor of electron. Definitely आप ये कह सकते हैं PS first के साथ जो NADP plus present है वो final acceptor होगा और NADPH का formation करवा देगा। ठीक है, electron transport of downhill release the protons in stroma। देखिए downhill जो हो रहा है मतलब PS second से electron students PS first, sorry protons PS first, electrons PS first को जा रहे हैं। at that time जो प्रोटॉन्स हैं वो डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण स्ट्रोमा में आ जाते हैं। ये स्ट्रोमा गलत लिखा है, स्ट्रोमा के बजाय थायलेकोइड लूमेन होता तो ये सही होता। एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड कपल्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली फोटोसिस्टम सेकंड का जो एक्साइटेशन है दैट कपल्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियस है इसमें एक्साइटेशन आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी और यहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट को होगा। साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स रिसीव वन इलेक्ट्रॉन एंड एट ए टाइम फॉर डाउनहिल मूवमेंट, ऑब्वियस है वन बाय वन ही स्टूडेंट्स ट्रांसफर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू अगर देखे जाए प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के केस में, हाउ मेनी स्टेटमेंट ट्रू फॉर प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर फोस्फोराइलेशन या फोटोफोस्फोराइलेशन। तो फोटोफोस्फोराइलेशन के केस में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ स्टूडेंट्स फोर स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर, हाँ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 197, If phylloclade are the modification of the stem of xerophytic plant like opuntia, definitely xerophytic plant जो opuntia है उसमें बच्चों आप जानते हैं जो stem है वो modify हो जाता है और leaves के form में appear होता है। Leaves यहाँ जो होती हैं वो spines के form में appear होती हैं और ये जो modification है that will call as the phylloclade। इसको आप मरुद्भिद पौधों में परिणाम स्तंभ कहते हैं, मतलब स्तंभ या तना जो है वो परिणाम रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी के अलावा क्लेडोड एंड क्लेडोड आपको दे रखा है, ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टूडेंट्स इंटरनोडल जो है वो एक्सपेंशन होता है, जैसे आपको रस्कस एक एग्जांपल दे रखा है। ये डेफिनेटली ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पौधों में प्रणाभ पर्व भी जो है वो तने के ही रूपांतरण है। तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, बी एंड ए बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ये 197 में थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। फाइलोक्लेड और क्लेडोड कई बार अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं। Some desert beetles can survive on the metabolic water without ever drinking liquid water because, इसका मतलब external source of water पर कभी भी depend नहीं करता। क्या मतलब हुआ इस बात का, they will use the metabolic water। अब बच्चों metabolic water जो है वो कौन सा होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो aerobic respiration का process है उसमें जो water release होता है उसको metabolic water कहेंगे। तो ये कह रहा है produce as water in the organism they eat, वे उन जीवों को खाते हैं जो जल उत्पन्न करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर अलोंग विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नहीं। दे आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ पाइरूवेट इन CO2 अलोंग विद वाटर, डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो है वो बच्चों प्रोडक्टिविटी होगी जिसको आप मेटाबॉलिक वाटर कह रहे हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करते। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विद द रिवर, डोमेस्टिक सीवेज को आप रिवर के साथ मिक्स अगर कर देते हैं तो क्या होगा, जब घरेलू वाहित मल को बच्चों नदी के साथ मिलाया जाता है तो कह रहा है छोटे जंतुओं जैसे चूहे की नदी के जल को पीने के बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, लेकिन हाँ आप ये कहेंगे वो बेसिक जो वहाँ जो आएगा इम्पैक्ट वो क्या आएगा कि वहाँ जो माइक्रोबियल एक्शन और एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि जितना सीवेज मिक्स किया जाएगा उतना ही माइक्रोबियल एक्शन और एक्टिविटीज के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। और स्टूडेंट्स ऐसा होने से आप कहेंगे कि वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती चली जाएगी, कम। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन, और ऑब्वियस है ये फर्दर जो है वो अपने आप में इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ का रीजन बनेगा, कारण बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों,
Selaginella enteridophyte showed some advances towards the seed habit. Consider the following. Selaginella और टेरिडोफाइट जो हैं, वो अपने आप में बीज प्रवृत्ति की ओर कुछ प्रगति दर्शाते हैं और इससे रिलेटेड आपको रेफरेंसेस देखने हैं. डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द मेगास्पोरिंजियम. मेगास्पोरिंजियम में एम्ब्रियो का रिटेंशन या डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द मेगास्पोरिंजियम, डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं रेफरेंस है. होमोस्पोरी नहीं होगा, हेटरोस्पोरी है. फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल मेगास्पोर्स विदिन ए मेगास्पोरिंजियम. विदिन मेगास्पोरिंजियम स्पोर्स का बनना आप ये कह सकते हैं इसको कोरिलेट नहीं करता. एनहांसमेंट इन द साइज ऑफ द मेल गैमेटोफाइट नहीं करेगा. तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड द प्रीरिक्वेस्टी फॉर द सीड हैबिटेट से रिलेटेड जो इनकरेक्ट रेफरेंसेज है वो एक तरीके से आपको चूज करना है. तो बच्चों यहाँ अगर मैं देखूँ तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये तीनों ही इनकरेक्ट रेफरेंस हो जाएंगे. सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट है वो यहाँ करेक्ट रेफरेंस होगा. तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा थर्ड. क्लियर? तो ये देखिए DCM का पेपर आप सॉल्व कर रहे थे 200 ये जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 35 फ्रॉम ए सेक्शन एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम बी सेक्शन. बी सेक्शन में से आपको सेक्शन में से आपको कोई 10 क्वेश्चन बच्चों करने हैं. परफेक्ट एनसीईआरटी और कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे. फिर भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप सीएलसी के डाउट काउंटर पर किसी भी क्वेश्चन को भेजकर वहां से सॉल्यूशन ले सकते हैं. एंजॉय द बॉटनी, एंजॉय योर स्टडीज, गुड लक, बाय.